बढ़ते हुए कोरोना वायरस की महामारी का आलम यह है कि लोगों की जुबान पर अब कोरोना बॉम्ब नामक शब्द पनपने लगा है। इस वक्त देश का देवभूमि वाला महाराष्ट्र राज्य टॉप और हॉटस्पॉट बन चुका है, जबकि यहां से मजदूर वर्ग अपने अपने घरों की ओर पलायन कर चुके हैं। पूरा मुंबई रेड जोन बन चुका है, कई इलाके कंटेनमेंट जोन बन चुका है। हम चलते हैं ऐसे ही कंटेनमेंट जोन की तरफ हमारे संवाददाता अजय शर्मा के साथ, जहां कोरोना के साथ साथ इस इलाके में कई मौतें भी हुई हैं और कई इलाके सील भी किए जा चुके हैं। पश्चिम एक्सप्रेस हाईवे मार्ग से सटा एक इलाका जो खार पूर्व और विले पार्ले पूर्व के बीच सांता क्रूज पूर्व स्थित है, यह इलाका मुंबई पुलिस के उपायुक्त 8 परिमंडल के अंतर्गत आता है और मुंबई महानगर पालिका के एच पूर्व वार्ड के वार्ड क्रमांक 87 में आता है। यहाँ के नगर सेवक मुंबई शहर के महापौर भी रह चुके हैं। यहाँ हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि यह शनि मंदिर के एकदम समीप गाय वाला चौर है। यहाँ कोरोना मरीज के पाए जाने के बाद और एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद मुंबई महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने जनजीवन को सुरक्षित करने के लिए सैनिटाइज किया, जो एक तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फायर ब्रिगेड कर्मी किस तरह से पाइप द्वारा सैनिटाइज कर रहा है। ठीक इसके 2 दिन बाद यहाँ बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज मिलने के कारण मुंबई महानगर पालिका के एच पूर्व वार्ड ने इस इलाके को सील कर दिया है, खासकर आने जाने के मार्ग को ही बंद कर दिया है ताकि यहाँ के लोगों के जीवन को सुरक्षित किया जा सके। धीरे धीरे गर्मी का पारा भी अब बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता आप तक खबर पहुंचाने के लिए किस तरह धूप और कोरोना के बीच संघर्ष कर रिपोर्टिंग और व्यू पेश करते हैं। आज मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने जनता को संबोधित कर कहा है कि बिना काम घर से नहीं निकले और बिना वजह घूमने वालों और उनके वाहन और उनके ड्राइवर पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी खबर का उद्देश्य है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, घर पर रहें, साफ और स्वच्छ रहें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। अपनी खबर को विराम देते हुए मिलेंगे हम एक बार फिर नई खबर के साथ। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।